जम्मू संभाग के पूर्व जिले में सड़क हादसा हो गया है। शाहपुर सेक्टर में सवारियों से भरी एक अनियंत्रित बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें की 7 लोग घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मंगलवार शाम को एक प्राइवेट बस शाहपुर सेक्टर में सड़क हादसे का शिकार हो गई। घायलों की चीख पुकार सुनकर इलाके के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस को जानकारी देने के साथ ही लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अभी तक 7 घायलों को बस से बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया है। तो जो अभी गाड़ी एक्सीडेंट हुई उसके बीच में थे आप? तो क्या वजह रही एक्सीडेंट की? ये गाड़ी दिया कंडक्टर को, ड्राइवर ने तो रास्ते में दिया, उसने नीचे फेंक दिया। ये कंडक्टर ही चला रहा था, इसी वजह से हुआ। तो गाड़ी में कितने बंदे थे? गाड़ी में 4 बंदे थे। तो गाड़ी कितने फुट नीचे गई है? गाड़ी कम से कम 2 रोड क्रॉस करके नीचे गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबानी रानी ने आज मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने रिंग रोड से जुड़े कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया और बहिस्ते जहरा पार्क डीसी कार्यालय बगदाम में वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लिया है। यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह 2021 में भी भाग लिया, जो कि 1 सितंबर से चल रहा है और 30 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। बड़ी एक खुशी की बात है कि आज बड़गाम जिले में मैं पोषण माह और प्रशासन के बाकी कामों का यहाँ पे समीक्षा कर जनता के साथ, प्रशासन के साथ, भारत सरकार की जितनी स्कीमें हैं वो धरातल पर कैसे उतर रही हैं अथवा उनको धरातल पर उतारने के लिए और कितनी मेहनत करनी चाहिए और जनता की क्या क्या चुनौतियां हैं, जनता की क्या क्या सुझाव हैं, उन सबको सुनने के लिए और कई विकास के कार्यक्रम हैं जिनको जनता को समर्पित करने के लिए मैं आई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत राव कार्ड केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत आज 2 दिवसीय दौरे पर गांधरबल जिले पहुंचे हैं। दौरे के पहले ही दिन मंत्री ने जिले में चल रही कई विकास परियोजनाओं और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। जहां रिमोट एरिया है वहां तक चलो, वहां का विकास का क्या काम चल रहा है वो बता दो। तो इन दोनों ने रिक्वेस्ट करते हुए, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करते हुए यहाँ का प्रोग्राम रखा है और हमें सब लोगों को पता है बैंक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को इम्पोर्टेंस है, उतना ही नहीं तो ट्रांसपेरेंसी करेंसी में आना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। और वो करते हुए इस देहात का अगर विकास करना है, इस एरिया का अगर विकास करना है तो बैंक का निर्माण करना बहुत जरूरी था। इन तीनों ने इकट्ठा आके यहाँ का बैंक का आज कुछ दिन पहले ही सोचा होगा, लेकिन आज मेरे हाथ से इनॉग्रेशन किया, तो पहले मैं इसका इनॉग्रेशन किया, मैं ऐसा डिक्लेयर करता हूँ। अंबिका पब्लिक हाई स्कूल नौशहरा में 1 दिवसीय नागरिक रक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि स्कूल के 40 स्वयंसेवकों ने इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और नागरिक सुरक्षा के कई कौशल के बारे में प्रशिक्षित किया है। सिविल डिफेंस वार्डन अर्थात गोपाल शर्मा और भुवन हिर शर्मा ने प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशमन आदि विषय पर व्याख्यान दिया। अगर टाइम ही जो है आप लोगों को ढंग पता हो कि सिलेंडर की आग में कैसे काबू कर रहे हैं तो आप अपने किचन के साथ पूरे मकान को बचा सकते हो। NMO के तहत डॉक्टरों की एक टीम राजौरी के अलग अलग गांव में पहुंचकर लोगों का मुफ्त इलाज कर रही है और लोगों में मुफ्त दवाइयां बांटी जा रही हैं। लोग भी बड़ी संख्या में इस कैंप से लाभ हासिल कर रहे हैं और अपना मुफ्त में इलाज करा रहे हैं। लोगों ने संस्था का धन्यवाद किया। ये संस्था पिछले 3 दिनों से राजौरी के अलग अलग गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप लगा रही है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ऑर्गेनाइज ऋषि कश्यप सिया यात्रा सन 2021 जम्मू में ऑर्गेनाइज करी जा रही है। ये पिछले 17 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है। यहाँ पर 11 प्रांतों से, 11 राज्यों से डॉक्टर्स, इंटर्न्स, पोस्ट इंटर्न्स यहाँ पर आए हुए हैं और मरीजों की सेवा के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। सन 1977 से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का आरंभ हुआ और उसके पश्चात हम लोग सभी लोग इसमें लगे हुए हैं।
जो भी समस्या आती है देश में, जैसे अर्थवैक है, बाढ़ आती है, तो हम लोग हमेशा डॉक्टर्स, इंटर्न सब लोग उसमें काम करने में भागीदारी निभाते हैं। हम लोग अपने साथ कुछ दवाएं लाते हैं जो मरीजों को देते हैं, उनको उनका स्वास्थ्य देखते हैं, बीपी शुगर मेजर करते हैं, और जो भी समस्या होती है जितना भी हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं वो सब हम लोग करते हैं। महानिदेशक बागवानी जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट के साथ शहरे कश्मीर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में एसोसिएट निदेशक अनुसंधान अरशद मुगल, कृषि विज्ञान केंद्र शोपिया के वैज्ञानिकों, मुख्य बागवानी अधिकारी शोपिया और विषय वस्तु विशेषज्ञ बागवानी शोपिया ने किसानों द्वारा लीफ माइनर रोग की शिकायत के बाद जैनपोरा के कई क्षेत्रों का दौरा किया। बागवानी विभाग और उसके सहयोगी विभागों ने स्थिति का पूरा शोध किया और उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीफ माइनर रोग एक इलाज योग्य बीमारी है। कि जब भी कोई डिजीज या कोई अटैक होता है कहीं, खुद उसका तदारुक न करें, ना किसी दवाई डीलर से, पेस्टिसाइड डीलर से उसका तदारुक करें, वो हमारे एक्सपर्ट हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, उनके पास जाएं, केवी के सेंटर्स यहाँ पर हैं हर जगह डिस्ट्रिक्टों में, उनके पास जाएं, उनकी एक्सपर्ट एडवाइस लेके ही कोई स्टेप आगे ले जाएं, खुद कोई दवा पाशी न करें। राज्य मंत्री भारत सरकार कृष्णपाल गुर्जर ने दूसरे दिन आईटीआई राजौरी में स्वयं सहायता समूह के साथ मुलाकात की। बेरोजगारों और विकलांगों के बीच भी विक्सल वितरित किए गए। बांदीपोरा में इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा दो दिवसीय हैप्पी आवर्स मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कश्मीर के कई हिस्सों के कई संगीत कलाकारों और हास्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। मेला का आयोजन एक सामाजिक खतरे के रूप में दवा और आत्महत्या का एक समाधान नहीं है पर जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। मेले की शुरुआत साइकिल रेस से हुई जिसमें 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल जो बांडीपुरा में है, इन्होंने दो दिन का ये हैप्पी आवर्स का मेला जो शुरू किया है, इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो बच्चे काफ़ी सालों से एक फ्रस्ट्रेशन में थे और वो स्कूल का नाम ही भूल चुके थे, जो एक्टिविटीज़ हर एक स्कूल में होती थी वो उनसे काफ़ी दूर चले गए थे, और उस तरीके से हमने, हमारी फैकल्टीज़ ने, हमारे जो मैनेजमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया है हैप्पी आवर्स का मेला, जिसमें कुछ लम्हों के लिए बच्चे यहाँ पे आए और उन्होंने वही रिपीट किया जो एक स्कूल में हो रहा था, और उनको वो याददाश्त फिर से वापस आ गई, वो खेलना कूदना, वो स्कूल की मेमोरीज़, वो फिर से उनमें गुल होने शुरू हो गए इस मेले से। और इस मेले से हमने पहले शुरुआत की एक स्लोगन के साथ, अवॉइड सुसाइड अवॉइड ड्रग्स, जो एक साइकिल रेस थी जो हमने मॉर्निंग में कंप्लीट की, और उसके बाद हमने ये प्रोग्राम किया जिस प्रोग्राम में म्यूजिकल शोज हैं, स्किट्स थे और बच्चों की इंडिविजुअल इन परफॉर्मेंस थी, और बहुत सारे वीआईपी यहाँ पे आए थे जिन्होंने इन बच्चों को सराहना, और काफ़ी लोगों ने, जो मणिपुरा के लोगों का से मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे आए और इस मेले का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लुत्फ उठाया। एडीसी श्रीनगर ने तहसीलदार दक्षिण के साथ श्रीनगर के लाल चौक इलाके का दौरा किया है और कई दुकानों को सील कर दिया है और लोगों से एसओपी का पालन करने का आग्रह किया। वैक्सीनेशन के अलावा जो मास्क लगाने का है, मार्केट में जो लोग चलते हैं, शॉपिंग मॉल में चलते हैं, दुकानदारी करते हैं, दुकानदार उन सबसे हम यही कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि कोई मास्क के बगैर सड़क पर नजर ना आए और दुकानों में भी नज़र ना आए। तो इसे यही है कि सेफ्टी, आप सबको पता ही है कि यहाँ श्रीनगर में भी सब लोग मास्क लगाना ऑलमोस्ट भूल गए थे, हालांकि मास्क सबके पास होती है लेकिन लगा नहीं रहे थे। तो अब ये इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, आज आप देख रहे हैं कि 90-95% ऑलमोस्ट सारे लगा रहे हैं, जिनको नहीं है तो उनको हमने फ्री भी दे दिया। बस एक ही गुजारिश है कि सब लोग एहतियात करें, दूसरों को परेशानी में डालें, और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कॉलेजेस शुरू हो गए हैं, तो इसमें उनका भी हमें ऐसी परेशानी ना हो कि बच्चों के एग्ज़ाम पर भी असरअंदाज हों। सब लोग अगर बेसिक एहतियात ले लेंगे, टाइमली एहतियात ले लेंगे, तो इंशाल्लाह हम थर्ड वेव की परेशानी से बच जाएंगे। We'll be right back.